बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। तमाम देखने वालों को आज की नई वीडियो में खुशामदीद कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, आपको पीके मूवी तो याद होगी और यकीनन आप सब ने वो मूवी देख रखी होगी जो कि हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर फिल्मों में से एक फिल्म है जिसमें आमिर खान ने भरपूर किरदार अदा किया है। ये फिल्म दरअसल धंधे और दीन के मुतल्लिक है कि किस तरह से मासूम और कम लोगों को बेवकूफ बनाकर दीन के नाम पर और मजहब के नाम पर धंधा किया जाता है। यूं तो पूरी दुनिया में ये होता है, लेकिन बड़े सगीर के हवाले से बताया गया है कि खास तौर पर हमारे इस रीजन में ये मामला बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में भी ऐसे कई वाकयात देखने में आते हैं, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मिसालें भारत में मिलती है जहाँ लोगों को डराकर पैसे की बड़ी गेम की जाती है। नाज़रीन गिरामी, आज एक ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि सांप जो रोज एक पत्थर पर आकर बैठ जाता है और किसी को कोई नुकसान तक नहीं पहुंचाता, और भारत के अंदर इस सांप ने तहलका मचा रखा है। क्या वाकई ये कोई करिश्मा है कि ये किसी को नुकसान तक नहीं पहुंचाता और रोज एक जगह पर आकर बैठता है? ये जगह कौन सी है? क्या ये मंदिर भी असली है या नहीं? तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, याद रखिएगा कि उम्मीद और यकीन एक ही बंधन में बंधे हैं। जहां उम्मीद हो वहां मौजज़ा पैदा हो ही जाता है, और फिर जहां कोई मौजज़ा हो जाए तो वहां पर उम्मीद भी बढ़ चढ़ कर पैदा होती है। और अगर मामला दीन का हो और किसी के मजहब का हो तो इसमें खास तौर पर लोगों का यकीन पैदा हो जाता है, और इस यकीन की बुनियाद दरअसल खौफ हुआ करता है जो नस्ल दर नस्ल मौजज़े के नाम पर किस्से कहानियों में चलता रहता है। और अगर कोई इस खौफ से इनकार करने की कोशिश करे या इसकी तय तक पहुंचने की कोशिश करे तो जो इसके जरिए बड़ी गेम कर रहे होते हैं वो इसके खिलाफ हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, बात यहाँ पे नहीं रुकती बल्कि चढ़ावे चढ़ने लगते हैं, पैसों का कारोबार शुरू हो जाता है और लोग उम्मीद को यकीन में बदल देते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए कई ढोंगी और फ्रॉड करने वाले मासूम लोगों का इस्तेहसाल करते हैं और उनसे पैसे बटोरते हैं। और दरअसल यही पैगाम आगाज में जिक्र किए जाने वाली फिल्म पीके में देने की कोशिश की गई थी कि दीन को बेचने वाले, डर का कारोबार करने वाले और मजहब फरोशी करने वाले सब एक जैसे है, लेकिन हिंदू मजहब चूंकि तोहमत पसंद मजहब है और इसकी बुनियाद ही तोहमत पर है तो यहाँ ये मामलात ज्यादा नजर आते हैं। चूंकि हिंदू मजहब की कोई सॉलिड बुनियाद नहीं मौजूद है, इस मजहब को मानने वाले जिस भी चीज से डरते हैं या जो चीज इन्हें फायदा पहुंचाती है तो उसको भगवान कह दिया जाता है और उसकी पूजा शुरू कर दी जाती है। ना कोई सवाल करता है और ना ही कोई जवाब देता है, जबकि दीगर तमाम मजाहिब में चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे मुसलमानों का मजहब हो या दीगर मजाहिब हो, उनमें सवालों जवाब की गुंजाइश मौजूद होती है और दलील पर बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हिंदू मजहब में ऐसा नहीं होता है। इस हवाले से अब गाय को ज़िबा करने और इसके गोश्त के हवाले से जो कई मामलात और वाकयात पेश आए हैं उन्हीं की मिसाल ले लीजिए कि गाय एक ऐसा जानवर है जिसको ज़िबा करके खाना हलाल है, लेकिन हिंदू मजहब के मानने वाले इसको हराम समझते हैं और फिर इसी तरह से ये सांप की पूजा भी करते हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डर है। नाज़रीन गिरामी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें सांप रोज एक ही पत्थर पर आकर बैठ जाता है, इस सांप को दूध के चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, इस पर पैसे रखे जाते हैं और कहा जा रहा है कि ये भारत की तारीख का सबसे बड़ा करिश्मा है कि जिसमें सांप भगवान के रूप में आता है और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो को जब हमने देखा तो इसको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये तो पहली दफा में पता चल रहा था कि ये कोई बड़ा ढोंग है जो कि भारतीय फ्रॉडिये और हिंदू जो कि दीन और मजहब के नाम पर फ्रॉड करते हैं वो लोगों से पैसे बटोरना चाहते हैं। तो इस मामले को जरा समझ लीजिए। मामला ये है कि इस सांप को रोजाना एक ही पत्थर पर कैसे लाकर बिठाया जाता है, जो कि दरअसल हिंदू मजहब में जो भगवान होते हैं उनमें से किसी की मूर्ति है। तो इसका राज ये है कि इस सांप को रोजाना
बिठाना एक ही पत्थर पर लाकर बैठाने का तरीकेकार ये है कि चूंकि ये मंदिर जो बनाया गया है ये जंगल के पास है और जंगल में भी उस इलाके के पास जहाँ पर सांप अक्सर रहा करते हैं, तो इस मंदिर में इस मूर्ति के पीछे एक खास किस्म का खालिस दूध रखा जाता है और हम ये जानते हैं कि सांप दूध का दीवाना होता है। अब जैसे ही उसके हाथ दूध की खुशबू पहुंचती है तो वो इस दूध को पीने के लिए रोजाना एक ही वक्त पर इस मंदिर में इस मूर्ति पर आकर बैठ जाता है और बताया जाता है कि ये 16 साल से ऐसे किया जा रहा है। अब जब सांप वहां आकर बैठता है तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये वहां मौजूद लोगों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है। तो इसका जवाब ये है कि सांप के मुंह के अंदर एक थैली होती है, एक झिल्ली मौजूद होती है जिसमें उसका जहर पैदा होता है। अगर जब कभी सांप के मुंह से जहर निकाला जाता है तो दरअसल उस झिल्ली में से एक इंजेक्शन के जरिए जहर को निकाल दिया जाता है और फिर इसी तरह जब दोबारा वो झिल्ली भर जाए तो उसमें से फिर से उस थैली में से सांप के जहर को इंजेक्शन की मदद से निकाल लिया जाता है। लेकिन मुस्तकिल तौर पर इस सांप के जहर को इस तरह से निकाला जाता है कि उस थैली को ही वहां से हटा दिया जाता है और जब थैली को अपनी जगह से हटा दिया जाए और उसके जिस्म से अलहदा कर दिया जाए तो अब किसी सूरत भी सांप में जहर पैदा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि सांप के सामने वाले दो दांत जिनकी मदद से वो अपने शिकार को पकड़ता है, इन दोनों दांतों को भी तोड़ दिया जाता है और यूं ये सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरीके से एक ढोंग रचा कर और लोगों की आंखों में धूल झोंक कर सांप को 16 बरस से रोजाना एक ही जगह पर बुलाया जाता है और फिर उसके मुंह से जहर की थैली को अलग करके बताया जाता है कि ये तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि ये भगवान का रूप है और फिर इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मंदिर में आएं और ज्यादा से ज्यादा चढ़ावे पैसों की सूरत में सांप पर चढ़े जिसका फायदा इन ढोंगी और फ्रॉडिये लोगों को होगा। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।